दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कैप्टन अमेरिका के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में आने की पॉसिबिलिटी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका का भी काफी ज्यादा मेजर रोल था एज कम्पेयर टू एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। और हमने ये देखा कि कैप्टन अमेरिका ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अपने अपने टाइम की जगह पर रख के वापस पास्ट में जाके पेगी कार्टर से शादी कर ली थी, और जब वो वापस उस टाइम फ्रेम में आए तो वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो फैंस बहुत ज्यादा निराश है कि हमें एमसीयू में अब आगे कैप्टन अमेरिका दिखाई देंगे कि नहीं। तो कैप्टन अमेरिका ने एक हिंट दे दी कि एमसीयू में अब आगे कैप्टन अमेरिका का मेंटल फाल्कन संभालेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कैप्टन अमेरिका को आगे जाके इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि भाई अब ये मल्टीवर्स हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर एक कैप्टन अमेरिका अर्थ 616 का बूढ़ा हो चुका है तो दूसरे अर्थ का कैप्टन अमेरिका अभी भी जवान होगा। यानी अगर एक फैन थ्योरी लगाई जाए तो जिस तरह मिस्टीरियो और एलिमेंटल्स दूसरे डायमेंशन से हमारे डायमेंशन में आ सकते हैं, उसी तरह दूसरे डायमेंशन से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका भी आ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो लोग हमारे अर्थ के नहीं होंगे बल्कि दूसरे अर्थ के होंगे। और हो सकता है अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर और क्रिस एवेंस तैयार हो गए अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए तो हमें कैप्टन अमेरिका एक आख और मूवी में दिख सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फेज 4 में। लेकिन अगर बात करें हम लोग अपने अर्थ के कैप्टन अमेरिका की, यानी जो कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो चुके हैं, तो हो सकता है हमें आने वाले मूवीज में उनका छोटा मोटा कैमियोज नजर आए एज एन ओल्ड कैप्टन अमेरिका। लेकिन अगर हम लोग बात करें दूसरे यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका के, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरे यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका हो वो हमारी यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका से एकदम मेल न खाता हो। यानी हो सकता है एमसीयू दूसरे एक्टर को एक कास्ट कर दे एज ए कैप्टन अमेरिका और ऐसा दिखा कि ये दूसरे अर्थ का है, दूसरे यूनिवर्स का, इसलिए इसकी शक्ल हमारी यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका से मेल नहीं खा रही है। दोस्तों पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटीज ढेर सारी है कैप्टन अमेरिका के आने के भी और आयरन मैन के आने के भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। क्योंकि दोस्तों अब तो फॉक्स के कैरेक्टर्स यानी एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डेडपूल भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इन्हीं के साथ साथ अगर हमें आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दिखाई दे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में तो फैंस का मजा दुगना हो जाएगा मूवी देखने का। और दोस्तों अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कॉमिक बुक के हिसाब से चला तो ऐसी बहुत सारी मूवी जिन पे कैप्टन अमेरिका की सोलो मूवी बन सकती है और ऐसी बहुत सारी मूवी जिन पे आयरन मैन की सोलो मूवी बन सकती है। तो आप कैप्टन अमेरिका को और आयरन मैन को फिर से देखना चाहते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज अपने व्यू जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। Thank you for watching.